ओके स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितनी भी थियोरेटिकल चीजें थी वो हमने सब कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर होने वाली हर एक घटना जो हमें हम देख रहे हैं, ठीक है, आंखों से अपने देख सकते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पृथ्वी पर हुए उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो हमने या हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखी है, ठीक है, जो हमने या हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखी है, जिसका कोई इतिहास भी नहीं है, जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, तो यही ज्योग्राफी के जरिए ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। यानी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी डेवलप हो रही थी, यानी पृथ्वी का जन्म हो रहा था, उसकी उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ देख, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर रहते हैं इंसान, ये सारे इंसान है, एजेंट रमोना, टोनी, कैप्टन अमेरिका, वैसे आम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ये लोगों के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या, कि एक होता है ईयर, दूसरा होता है मंथ और होता है डे। यानी अगर किसी से पूछा जाएगा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वही तीन चीजें बताता है कि नहीं, डे, मंथ, ईयर। पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए तीन चीजें क्या है जो उसके अस्तित्व को बताएंगी, डे, मंथ, ईयर। ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन द एरा ऑफ दिस अर्थ। मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से कैसे समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, तो पृथ्वी पर जैसे इंसानों के लिए डे, मंथ, ईयर उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी बताती है, वैसे ही ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के तीन मुख्य चीजें हैं, तीन मुख्य तू कह सकती है कि घटक हैं, फैक्टर हैं, जो ये बताती हैं कि पृथ्वी में कब और क्या क्या परिवर्तन हुए और इसका जन्म किस तरीके से हुआ है, ठीक है। देख, उसको एक कहते हैं एरा, दूसरे को कहते हैं इपोक, और तीसरे को कहते हैं पीरियड, ठीक है। एरा को हिंदी में कहते हैं महाकल्प, और इपोक को कहते हैं युग, और पीरियड को कहेंगे कल्प, देख, एरा, इपोक, पीरियड, ये तीन चीजों से हमें किसके बारे में पता लगेगा, अर्थ के बारे में। जैसे मैं इंसानों के बारे में अगर पता लगाना है, किसी भी इंसान का पूरा अस्तित्व, यानी कि इंसान कब से जन्मा, कब जन्मा और कब मरा, तो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए रहती है, तीन चीजें, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। ये मिल करके हमें इंसानों का क्या देती हैं, डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम कहते हैं डीओबी, ठीक है, डीओबी। वैसे ही एरा, इपोक और पीरियड मिल करके किसका डेट ऑफ बर्थ देते हैं, इस पृथ्वी का ठीक है। देख, इसमें से जैसे मैं तुझसे पूछूंगा ईयर ज्यादा बड़ा होता है या मंथ, ईयर, क्योंकि एक साल में कई सारे मंथ इंक्लूड हो जाते हैं और एक मंथ में कई सारे दिन इंक्लूड हो जाते हैं, है ना, तो अल्टीमेटली इन तीनों में से सबसे बड़ा ईयर है। तो वैसे ही इपोक, एरा और पीरियड में से सबसे बड़ा होता है एरा, ठीक है, सबसे बड़ा होता है एरा। अब देख, मैं समझाऊंगा अभी कैसे। एरा, पृथ्वी पर जो एरा की कहानी है, कुल पांच एरा में डिवाइडेड है पृथ्वी, ठीक है, पांच एरा में पृथ्वी पर कुल कितने एरा, पांच एरा। और इपोक की बात करेंगे, यानी युग चार। और ये जो कल्प की बात करेंगे, तो कल्प 18 है।
ठीक है, एरा कितने 5, इपोक कितने 4 और पीरियड कितने 18, ठीक है 18। अब देख तुझसे ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो 4 है, नंबरिंग से नहीं जाना है कि एरा जो कि 5 है और इपोक 4 ही है तो ये एरा सबसे बड़ा कैसे हुआ जबकि पीरियड 18 है, इसमें नंबरिंग से नहीं जाना है, इसमें क्या देखना है साइज मैटर करता है। जैसे कि मैं कहूं एक साल बड़ा है कि एक मंथ बड़ा है, एक साल बड़ा है ठीक है, एक साल बड़ा है तो एक साल में 12 महीने हो जाते हैं ठीक है, और 12 महीने में 365 दिन हो जाते हैं, वैसे ही एक कल्प में युग आते हैं और कई युगों में मतलब कि इन युगों में कई सारे पीरियड आ जाते हैं ठीक है, कई सारे पीरियड आते हैं। तो देख जब भी कोई घटना होगी, जैसे जब भी कोई घटना होगी जब हम कहेंगे कि तेरा जन्म कब हुआ तो तू बताएगी ना कि गुरुवार के दिन ठीक है, मतलब कि नवंबर महीने के 5 तारीख 2000 मतलब 1995 या 96 जो भी रहेगा तू ऐसे पूरा बताएगी। तो ऐसे ही पृथ्वी पर कोई घटना होगी तो हम इन तीनों में लेंगे कि वो घटना कौन से एरा में हुई, कौन से युग में हुई और कौन से पीरियड में हुई। बात समझ में आ रही है? हाँ तो बता पृथ्वी पर कितने एरा, कितने इपोक और कितने पीरियड 18 है ठीक है, कितने पीरियड 18 है, कितना क्लियर है। इन सारी चीजों को जब मिला दिया जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसे? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ठीक है। जैसे हम लोग इंसानों में अगर कहें ईयर मंथ डे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा डीओपी, वैसे ही पृथ्वी के लिए एरा एपोक पीरियड की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में। समझ में आ रहा है? कितने एरा 5, कितने युग 4, कितने पीरियड 18 ठीक है। अब यहाँ कि मैं एरा इपोक और पीरियड के बारे में बताओ इससे पहले थोड़ी सी अपने अर्थ की इंफॉर्मेशन दे देता हूं ठीक है। ये जो हमारा प्यारा अर्थ है, हमारा प्यारा अर्थ, इसका जन्म आज से मतलब आज से 4.6 बिलियन ईयर अगो हो चुका था ठीक है। आज से 4.6 बिलियन ईयर अगो यानी 4.6 करोड़ साल पहले ठीक है। अर्थ का जन्म कब हुआ? पट्टे ठीक है, पट्टे लिख रहा हूं बर्थडे। अरे यार बर्थ 4.6 बिलियन ईयर अगो ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का जन्म हुआ 4.6 बिलियन ईयर अगो। अब इसकी स्टडी कैसे करी जाए? इसकी स्टडी की जाती है रेडियो एक्टिव प्रोसेस के जरिए या यूरेनियम प्रोसेस के जरिए, मतलब कि तू किसी का भी ये निकालेगी कि ये कितना पुराना है। तो इस पृथ्वी पर क्या है, लैंड है ठीक है, जो भी पर्वते हैं उन पर्वतों में जो चट्टाने हैं उन चट्टानों की टेस्टिंग करेगी और उसी से तो पता चलेगा कि उनका टाइम पीरियड कितना है। हाँ तो इस पृथ्वी की जो ये बर्थडे है, बर्थडे को निकालने का जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कहेंगे कि यूरेनियम प्रोसेस या रेडियो एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है कि नहीं है। हाँ तो कहेगा कि प्रोसेस टू डिटरमाइन द अर्थ एज ठीक है,
क्या कहलाएगा? प्रोसेस टू डिटरमाइन अर्थ एज, अर्थ एज। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? यूरेनियम प्रोसेस, यूरेनियम प्रोसेस, प्रोसेस। क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसलिए कभी कभी इसे रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ना क्लियर है? ओके। इस चीज की स्टडी करी थी, इस चीज की स्टडी करी थी एक जियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था कोमटे डी बफन। जिसने स्टडी करी उसका नाम क्या था? जियोलॉजिस्ट, जो जियोलॉजिस्ट था उसका नाम था कोमटे डी बफन। कफन नहीं, बफन। ठीक है, कोमटे डी बफन। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो बता पृथ्वी का, हमारे इस प्यारे पृथ्वी का जन्म कब हुआ? 4.6 बिलियन ईयर अगो। बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? करोड़, करोड़ या अरब, अरब कहते हैं आई थिंक सो। बिलियन को लाख कहते हैं, 10 लाख एक मिलियन होता है, तो ये बिलियन को करोड़ कहते हैं, करोड़। ठीक है, तो 4.6 करोड़ ईयर अगो, आज से 4.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म होता है। पृथ्वी के एज को डिटरमाइन करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं? रेडियो एक्टिव प्रोसेस। किस जियोलॉजिस्ट ने बताया? सीधा याद रखने का, बफन। ठीक है, बफन, बफन, बफन। बता यहां पर ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के डेट ऑफ बर्थ को डिटरमाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अबे यार, तेरा डेट ऑफ बर्थ निकालना रहेगा तो क्या क्या चाहिए रहेगा? ठीक है, मंथ, ईयर और डे। ठीक है, डीओबी। वैसे ही पृथ्वी के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा? एक तो चाहिए एरा, एरा, दूसरा चाहिए इपोक, और तीसरा चाहिए पीरियड, पीरियड। कितना एरा है? 5। कितना एपोक है? 4। और कितना पीरियड है? 18। ठीक है, एरा को कहते हैं महाकल्प, एपोक को युग, और पीरियड को कल्प। क्या बता सकती हो चार युग कौन से होंगे? नहीं बता सकती, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो देख, मैंने तुझे बताया कि अर्थ के बर्थडे को पूरा डिटरमाइन करने के लिए तीन चीजें, एरा, एपोक, पीरियड। कुल एरा है 5, एपोक है 4, पीरियड है 18। ठीक है, तू उसको ऐसे याद रख लेना, पांचवा मतलब 5 एरा, 4 इपोक और 18 पीरियड। ठीक है, 5, 4, 18 ऐसे याद कर लेगी तो तुझे एक एस्टिमेट रहेगा कि अच्छा हाँ हाँ कुछ कुछ तो है, मेरे बर्थडे जैसा ही है। ठीक है, हाँ तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब देख, अब हम समझते हैं कि वो 5 एरा कौन कौन से हैं। ठीक है, वो 5 एरा कौन कौन से हैं, इपोक क्या है और पीरियड कौन कौन से हैं। ठीक है, देख मैं तुझे पहले यहाँ शॉर्ट में चीजें लिखता हूं। पहले मैं लिखूंगा एरा, एरा। ठीक है, फिर आएगा इपोक, इपोक, और फिर आएगा पीरियड, पीरियड। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? पीरियड है। सबसे बड़ा कौन है? एरा है। ठीक है,
एरा है। एरा में आता है पहला जिसे हम कहते हैं प्री पैलियोजोइक एरा। क्या कहते हैं? प्री पैलियोजोइक एरा। अब देख मैं बार बार ये एरा एरा नहीं लिखूंगा, ये एरा हटा दूं यहां से चलेगा क्योंकि एरा ऊपर लिखा हुआ है बोलते टाइप, ठीक है। तो पहला आता है प्री पैलियोजोइक एरा में, पहला प्री पैलियोजोइक। फिर में से प्री निकाल दे, बचेगा क्या? पैलियोजोइक। दूसरा आएगा पैलियोजोइक। फिर बीच में आएगा, मैंने पांच है, पांच में से दो बता दिया, दो नीचे रहेगा, बीच में आएगा मध्य मिसोजोइक। फिर आएगा सिनोजोइक। और लास्ट में आएगा तेरा नियोजोइक, नया वाला नियोजोइक, ठीक है। एरा में कुल कितने एरा? पांच। कौन कौन से? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। सिनोजोइक और नियोजोइक। देख हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में इनका हो जाता है कि जैसे आद्य महाकल्प, ठीक है, महाकल्प। लेकिन जब एग्जाम आता है ना तो एग्जाम में उसे आद्य महाकल्प या वो नहीं लिखता, इसी इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा। हिंदी में कैसे लिख देगा? प्री पैलियोजोइक, ठीक है, जोइक। तो हिंदी वाले यही याद करेंगे, इंग्लिश वाले भी यही याद करेंगे। तो बेहतर है हिंदी का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, ये नाम है, नाम को ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। हाँ तो बता, एरा में कुल पांच एरा कौन कौन से? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। नियोजोइक इतना क्लियर है? ओके। अब देख जो प्री पैलियोजोइक था ना, इसमें किसी भी युग की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, किसी भी युग की शुरुआत नहीं हुई थी। और युग की शुरुआत कब मानी जाती है? जब पृथ्वी पर जीवाश्म यानी कि ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है, जीव जंतुओं का जन्म शुरू होता है, तब से युग की शुरुआत होती है। समझे क्या? देख युग की शुरुआत, इपोक मतलब युग, युग, युग की शुरुआत तब से मानी जाती है जब से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की शुरुआत होती है, ठीक है। चाहे वो समुन्द्र में आए हो बैक्टीरिया बनके, ठीक है, बैक्टीरिया बनके, बात समझ आ रही है? तब से ही जीव जंतुओं की शुरुआत मानी जाती है और उसे इपोक में काउंट किया जाता है। लेकिन प्री पैलियोजोइक में धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं आए थे, इसलिए इसमें कोई भी युग नहीं होता है। युग की शुरुआत होती है पैलियोजोइक से, जिसे कहा जाता है फर्स्ट युग, ठीक है, फर्स्ट युग। मिसोजोइक में सेकेंड युग, सिनोजोइक में थर्ड युग और नियोजोइक में फोर्थ युग। बात समझ में आई? क्या प्री पैलियोजोइक एरा में कोई युग था? नहीं, कोई युग नहीं था। युग की शुरुआत कहां से होती है, कौन से एरा से? पैलियोजोइक से। पैलियोजोइक देख, क्योंकि प्री पैलियोजोइक में कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हुए थे, इसलिए इस एरा को अजोइक भी कहते हैं। अजोइक, नो जीव जंतु, अजोइक एरा। क्या कहते हैं? अजोइक का मतलब क्या? कोई जीव जंतु नहीं, ठीक है। जैसे सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य, ठीक है। तो वैसे ही जोइक मतलब जीव जंतु, अजोइक मतलब नहीं जीव जंतु। बात समझ में आया? हाँ। तो देख तेरा कितने? पांच। कौन कौन से? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, ठीक है, मिसो सिनो नियो, ठीक है, मिसो। ओके। युग की शुरुआत, इपोक की शुरुआत कब से होती है?
पैलियोजोइक से, पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देख ये जो पीरियड है मैंने बताए थे 18 पीरियड है टोटल, कितने 18। देख ऐसे याद रखे, दो से शुरू, दो पर खत्म, ठीक है, दो से शुरू, दो पर खत्म, दो से शुरू, दो पर खत्म, पिछवा में है तीन, ठीक है, दो से शुरू, दो पे खत्म, पिछवा में तीन, तीन, निचवा है पांच, ऊपरा है छह, समझा, दो से शुरू, दो पे खत्म, पिछवा में तीन, निचवा छह, ऊपरा निचवा पांच, ऊपरा छह, ठीक है। तो देख काउंट कर, छह दो आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह पांच सोलह, सोलह दो अठारह, अठारह पीरियड हुए कि नहीं। हाँ देख, यानी प्री पैलियोजोइक में कितने पीरियड, दो पीरियड, पैलियोजोइक में कितने पीरियड, एक, कितना युग, पहला युग, पहला युग, कौन सा युग, पहला युग, मिसोजोइक में कौन सा युग, दूसरा युग, दूसरा युग, दूसरा युग, कितने पीरियड, तीन पीरियड, ठीक है, तीन पीरियड। अभी हमें सबसे ज्यादा इससे कोई दिक्कत नहीं, एरा इपोक से कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ पीरियड में है, क्योंकि जो भी घटना हुई है हमें उसी को पीरियड के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। हाँ ये जो दो लिखा हूं ना, ये दोनों का अलग अलग नाम है, छह लिखा हूं तो इसमें छह अलग अलग नाम है, तीन है तो तीन अलग अलग नाम है, पांच अलग अलग नाम है, फिर दो अलग अलग नाम है, और इन सब में हुई घटनाएं अलग अलग हैं, और उन घटनाओं को एक साथ जब मिलाया जाता है तो कहा जाता है कि कौन से पीरियड में, कौन से युग में और कौन से एरा में कौन सी घटना हुई। बात समझ में आई, बता, प्री पैलियोजोइक में कोई युग था तो उस लिए प्री पैलियोजोइक को किस नाम से जाना गया, अजोइक। दूसरा आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में कितने युग, फर्स्ट युग, ठीक है, पैलियोजोइक से पहला युग शुरू हुआ, कितने पीरियड, छह, ठीक है। तो देख ये चीजें पहले याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है पीरियड के, कौन कौन से, दो से शुरू, दो पे खत्म, दो से शुरू, दो पे खत्म, बीच में है तीन, ऊपर है छह और नीचे है पांच, समझा, इतना क्लियर है ना। ओके चल एरा के नाम फटाफट बोल दे, एरा के नाम फटाफट बोल, हाँ पेरियो, हाँ नियोजन है ना, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, ठीक है, मिसोजोइक, देख बीच में है, मिडल में है, म से मिडल, म से मिसोजोइक, ठीक है, फिर मिसो, फिर सीनो, फिर नियो, क्योंकि मिडल के बाद जैसे हम लोग देखे थे ना स्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में पीछे, फिर बीच में होता है तो मेसोस्फीयर ऊपर जाता है लग रहा, तो वैसे ही बीच में है तो मिसोजोइक, फिर आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा वो नए की तरफ जाएगा तो नियोजोइक और सीनोजोइक, सीनोजोइक का भी होता है नव पा, मतलब कि नव, वो हिंदी में पता नहीं कैसे उसको कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं, नव और नूतन, इसमें तीन होता है, देख मतलब कि अगर हिंदी में बताऊं तो प्री पैलियोजोइक का जो कि आद्य होता है, मतलब कि आद्य, प्री आद्य, फिर मध्य, फिर नव और नूतन, ऐसे कुछ कुछ होता है हिंदी में, मुझे उसका पूरा अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि हिंदी वाला पूछता ही नहीं है, तो मैंने हिंदी याद भी नहीं किया, यही सीधा सीधा याद किया है, और यही तुझे भी याद करना है, ठीक है। हाँ तो ये एरा याद हो गया, युग कितने हैं चार वो समझ में आ गए, पीरियड कितने हैं वो समझ में आ गए। अब सिर्फ पीरियड के बारे में सारा का सारा नाम मैं लिखता हूं और इसको याद करवाता हूं, ठीक है। देख पहले नाम याद करूंगा, फिर सबके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। देख अगर मैं कहूं कि यहां लिख देता हूं पीरियड, 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 देख पहले है दो, ठीक है, दो, इन दोनों में, इन दोनों का नाम सुन, ये दो दो है,
इसमें एक 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 पीरियड था जिसे कहा गया आर्कियन, ठीक है, आर्कियन, और दूसरा था प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। देख एक काम करता हूँ, मैं सीधा ना नंबरिंग से ही लिख देता हूँ पूरा, फिर उसके बाद बता दूंगा कौन कौन सा है। देख पहला था आर्कियन, आर्कियन क्या था, आर्कियन, और दूसरा था प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, बता पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन प्री कैम्ब्रियन। अब हमेशा याद रखना, जब किसी वर्ड के सामने जब प्री लग जाएगा ना, तो उसके बाद वाला वो प्री हट जाएगा, ठीक है। जैसे प्री पैलियोजोइक, फिर पैलियोजोइक, यानी पैलियोजोइक से पहले तो कहलाया प्री पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक जब आ गया तो पैलियोजोइक, वैसे ही आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, इसके बाद जो आएगा कैम्ब्रियन, ठीक है। तो देख पहला जो युग था, ठीक है, युग मतलब पहला युग तो किससे शुरू होता है, पैलियोजोइक से, ठीक है। यहाँ देख पहला युग शुरू होता है पैलियोजोइक से, हम बात कर रहे हैं अभी प्री पैलियोजोइक में। प्री पैलियोजोइक में कितने पीरियड, तो ये दोनों का नाम क्या है, आर्कियन प्री कैम्बियन, आर्कियन प्री कैम्बियन। और इनका सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, ऐसे मत सोच बोल देना कि प्री कैम्बियन और आर्कियन, ठीक है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस का मतलब है, जैसे मान ले कि एक साल में है 12 महीने, एक साल से लेकर के 6 महीने तक, मतलब 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक कोई घटना नहीं हुई हो, और 6 से लेकर के 12 में कोई भयानक घटना हो गई हो, तो पहले अगर मैं कहूंगा कि कोई घटना नहीं और भयानक घटना, तो तू अगर ये कह देगी कि इस साल 2022 में भयानक घटना और कोई घटना नहीं, तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा कि नहीं। वैसे ही ये जो पीरियड है उनको वैसे ही याद रखना जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ तो बता पहले दो पीरियड कौन कौन से, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अब आगे हम चलते हैं, देख आगे है 6, अब ये 6 कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देख तो इसमें से मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, तीसरा हो जाएगा तेरा प्री कैम्ब्रियन हो गया, तो अब आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविसियन, 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 ऑर्डोविसियन। उसके बाद आता है सिल्यूरियन, 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 ठीक है, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद आता है डेवोनियन, 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 डेवोनियन। उसके बाद आता है कार्बोनी फेरस, कार्बोनी फेरस, ठीक है, कार्बोनी फेरस। और उसके बाद आता है परमियन, 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 ठीक है। शिक्षा हो गई ये, यानी पहले पीरियड, पहले युग में, पहले इपोक में ये 6 पीरियड हुए हैं। कौन कौन से 6 हुए हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, ठीक है। हाँ बोलते रह, बोलते रह। एक साथ नहीं, आप सीधे सीधे बोल, तीन तीन के ग्रुप में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, बोल, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। बोल जोर से, आवाज नहीं आ रही है। हाँ डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ठीक है। वापस ऊपर से, ऊपर में जहाँ 2 है, आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, फिर नीचे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन,
ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन, डेवोनियन कार्बोनिफेरस और परमियन, डेवोनियन कार्बोनिफेरस और परमियन। ठीक है, इतना याद हुआ। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखते हैं तीसरा वाला कौन सा है। ठीक है, तीसरा वाला जो मतलब तीन पीरियड है, ये कौन से युग और कौन से एरा में आएंगे बता सकती हैं? सेकेंड युग और मेसोजोइक एरा में। ठीक है, सेकेंड युग और मेसोजोइक एरा में, देख इसमें तीन हुए हैं। ठीक है, तीन हुए हैं, अब देखते हैं तीन कौन से हैं, तीन कौन से हैं। तो देख मैं यहाँ आठ हो गया है, नवा नवा एक मिनट मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नौवे की तरफ चलते हैं, मतलब कि जो तीन है बाकी मेसोजोइक एरा के। ठीक है, इसमें देख इसमें आता है ट्रायासिक। ठीक है, ट्रायासिक, आसिक नहीं ट्रायासिक। ठीक है, ट्रायासिक, ट्रायासिक के बाद आता है जुरासिक, और लोगों को सिर्फ यही पता रहता है। ठीक है, जुरासिक, और जुरासिक के बाद आता है क्रिटासियस। क्रिटासियस क्या? क्रिटासियस, क्रिटासियस, क्रिटासियस। ठीक है, क्रिटासियस। बता मेसोजोइक एरा में कितने पीरियड? तीन। कौन कौन से? ट्रायासिक, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटासियस। ठीक है, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटासियस। ठीक है, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटासियस, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटासियस। ठीक है, क्रेटासियस। इतना समझ में आया? अब देख आगे चलते हैं, और आगे हमको मिलेगा ये सेनोजोइक में, सेनोजोइक में पांच पीरियड। ठीक है, सेनोजोइक में कितने पीरियड? पांच। आगे बढ़ते हैं और उनको समझते हैं। देख ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटासियस। ठीक है, क्रेटासियस। अब देख इसमें आएगा पेलियोसीन, बारहवा पेलियोसीन, 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 इओसीन, 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 इओसीन। फिर आएगा ओलिगोसीन, 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 ओलिगोसीन। फिर आएगा मियोसीन, 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 मियोसीन। फिर आएगा प्लायोसीन। ठीक है, क्या आएगा? प्लायोसीन, प्लायोसीन। सोलहवा आ जाएगा प्लायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, प्लायोसीन। इतना क्लियर हुआ? देख पेलियोसीन और प्लायोसीन में कंफ्यूज मत होना, पहले है पेलियोसीन फिर है प्लायोसीन लास्ट में। ठीक है, पेलियोसीन और प्लायोसीन, पेलियोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, तो पहले बता पेलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन। बड़ा आसान सा है ये, बड़ा आसान सा है ये पांचों एकदम। पेलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। जोर से बोल, पेलियोसीन, इओसीन। इनियो इनको मत कर रहे। देख फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेलियोसीन, इओसीन, ऐसे बोल, पेलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, मायोसीन और प्लायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इतना समझ में आया? मायोसीन और
प्लायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ठीक है ओके। अब देख कौन सा बच जाएगा, हम आ जाएंगे पांच हो गया हमारा सिनोजोइक, अब आएंगे नियोजोइक, नियोजोइक में दो आएगा, नियोजोइक में दो आएगा, देख ये जो दो आएंगे हो जाएगा 17 नंबर और फिर 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर। तो देख 17वां नंबर आएगा प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन बोल, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन। और 18वां आएगा होलोसीन, होलोसीन, ठीक है। तो लास्ट दो प्लिस्टोसीन होलोसीन, प्लिस्टोसीन होलोसीन, प्लिस्टोसीन होलोसीन, और आदमी आया इसी में, ठीक है आदमी आया इसी में। इसका जब अंत हो रहा था प्लिस्टोसीन का, तब आया था आदिमानव, और फिर आदमी जो बोलते हैं ना कि धीरे 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 हम लोग डेवलप हुए, तब इसमें आया होलोसीन में, यानी हम लोग किसमें जी रहे हैं, होलोसीन में, होलोसीन में। क्या यहाँ पर कहीं तुझे कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये सब जब हम बात करें कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब इसी में आ जाएगा, होलोसीन में, ठीक है ये सब इसी में आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारा महाभारत है 10,000 साल पहले का, हाँ या 15,000 साल पहले का रामायण है, पृथ्वी का एज देखो 4.6 बिलियन ईयर अगो, कहा अगर तुझे कोई 10,000 रुपया दे रहा है और कोई तुझे 4.6 बिलियन रुपया दे रहा है, मतलब इट्स लाइक 100 रुपए की जगह 50 पैसे, ये भी नहीं वैल्यू है, समझ में आ रही है? हाँ, तो सारा का सारा जो युग वगैरह है चारों वो इसी होलोसीन में आ जाएंगे, क्योंकि हर युग में तुझे इंसान देखने को मिले हैं, और इंसान आया कौन से युग में है, मतलब कि कौन से पीरियड में, होलोसीन में। तो इसी होलोसीन में तेरा सारा का सारा युग वगैरह आ जाता रहेगा, ठीक है अगर ऐसा हुआ होगा तो, युग के अकॉर्डिंग, ठीक है इतना क्लियर हुआ। 18 ये याद हुए, चल बता दे एक बार फटाक से बोल, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटासियस, जुरासिक, क्रेटासियस, ठीक है ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटासियस, फिर पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लायोसीन, और फिर प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है देख 12 से लेकर के लास्ट तक सब सीन ही सीन है, सीन ही सीन, ठीक है सीन ही सीन है। तो सीन सीन याद हो जाएगा, और बाकी 3 से 8 में एन एन है, या ऊपर से ही ले ले, मतलब कि 1 से 8 तक एन एन, एन एन, 9 से 11 तक, मतलब 9-10 आईसी है और सीएस है, फिर उसके बाद सारा का सारा ईएन एन है, ईएन एन, ठीक है हाँ। तो आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, फिर ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटासियस, फिर पेलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, बात समझ में आ गई, ये सारे की चीजें याद हुई। बता पूरी पृथ्वी का जन्म, मतलब की पृथ्वी का जन्म कब हुआ, 4.6 बिलियन ईयर अगो, इसके
एज को डिटरमाइन करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम प्रोसेस किस जियोलॉजिस्ट ने बताया? पफन, पफन, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी को पृथ्वी पर हुए घटनाओं की जानकारी के लिए हमें कितनी कैटेगरी की जरूरत है? कौन कौन सी? एरा, एपोक, पीरियड। पृथ्वी पर कितने एरा, कितने इपोक और कितने पीरियड? 18। बता पीरियड में, बता पीरियड का मैंने सीक्वेंस क्या बताया था? ऐसे जैसे मैंने बताया था, कैसे याद करेगी? हाँ, दो से शुरू, दो से खत्म, बीच में है तीन, ऊपर छह, नीचे पांच, ठीक है, ऊपर छह, नीचे पांच, तो टोटल मिलके 18 हो गए, 18, ठीक है। अब इन सब में हुई जो भी घटनाएं रहेंगी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।